जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि गाजा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और अब लगता यूं है कि यह उसी स्टेज तक पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है। वो पिछले कई दिनों से जारी संघर्ष के बाद अब जमीनी सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है। फिलिस्तीनी चरमपंथी और इजरायली सेना के बीच गुरुवार को हिंसा और भड़क उठी। चरमपंथी इजराइल में रॉकेट दागते रहे और इजरायली सेना लगातार मिसाइलों से हमले करती रही। अब तक गाजा में 100 से ज्यादा और इजराइल में 7 लोगों की जान जा चुकी है। उधर इजराइल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच झड़पें हो रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दिए हैं। अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार को गाजा सीमा के पास पैदल सेना की 2 टुकड़ियों और 1 हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर समझा जाता है कि सेना बहुत जल्दी इसकी योजना पेश करेगी। इसे इसके बाद सेना प्रमुख हो और सरकार से मंजूर करवाना होगा। गाजा और इजराइल में सोमवार से भड़की हिंसा 2014 के बाद से सबसे गंभीर हिंसा है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम में महीने भर से जारी तनाव के बाद हुई, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को अलक्सा मस्जिद के पास झड़पें हुई और 2 दिन बाद दोनों पक्षों के बीच रॉकेट और मिसाइलों से हमले होने लगे। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 दिन की लड़ाई में अब तक कम से कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि इनमें बहुत सारे आम लोग भी मारे गए हैं, जिनमें 27 बच्चे शामिल हैं। इजराइल के स्टेडियो रोड शहर में गाजा से हुए एक रॉकेट हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों के बीच हिंसा को बंद करने की अपील की है, जिनमें इजराइल का सहयोगी अमेरिका भी शामिल है, मगर इसके बावजूद इसके थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को विवादित अलक्सा मस्जिद पर उसकी सैन्य कार्रवाई बंद करवाने के लिए दबाव डालता है तो वो भी जवाबी संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं। हालांकि इजरायली सेना के प्रवक्ता हिल्डा जिल्बरमैन ने कहा है कि फिलहाल इजराइल संघर्ष विराम नहीं करना चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीनी अरबों के बीच हिंसा का यह सिलसिला बरसों पुराने एक विवाद को लेकर शुरू हुआ, जिसे लेकर पिछले एक महीने से तनाव बना हुआ था। संघर्ष का यह सिलसिला यरूशलम में पिछले लगभग एक महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलम से फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी जमीन बताते हैं और वहां पर बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। शुक्रवार को पूर्वी यरूशलम स्थित अलक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़पें हुई। अलक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़पें होती रही है, मगर पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा 2017 के बाद से सबसे गंभीर थी। अलक्सा मस्जिद को मुसलमान और यहूदी दोनों पवित्र स्थल मानते हैं। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलम को भविष्य के एक आजाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर यह विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलम में मौजूद ऐतिहासिक अलक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अलक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।